गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में डाउट क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो डाउट क्वेश्चन आप सेंड किए हैं वो भी हम मेंशन किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम इसमें मेंशन किए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। मेनली जीपी में हम लोग तीन मेथड के बारे में डिस्कस किए हैं और पढ़े हैं, उसके ज़्यादा भी पढ़े हैं लेकिन मेनली तीन पढ़े हैं। वो क्या क्या पढ़े हैं कि किसी जीपी में अगर nth टर्म हमको निकालना हो तो ये a r^n-1। अच्छा, इसी में अगर n टर्म का सम निकालना हो तो a r^n-1/r-1, और इसी में अगर इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना हो तो a/(1-r)। और ये छोटा सा कंडीशन भी यहाँ हम लोग याद रखते हैं कि मॉड r इज लेस देन 1। तो ये मेनली ये तीन बात हम लोग पढ़ें। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो इसमें गिवन है कि इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, कोई एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 4, 6, 8 इस तरह से, और उसमें कुछ कंडीशन है द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। अब ये क्वेश्चन देख करके किसी भी स्टूडेंट के मन में आएगा कि वो कैसा जीपी कंसीडर करे जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म हो, तो वो कुछ ऐसा सोच सकता है a r। चलिए हम स्टेटमेंट के साथ कर लेते हैं। अगर हम इसको मान लें कि लेट ए बी अ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड इट्स कॉमन रेशियो बी आर। अगर कोई एक जीपी के फर्स्ट टर्म को हम ए मान लें और कॉमन रेशियो को आर मान लें, तो कोई भी स्टूडेंट एक ऐसा सीरीज सोच सकता है a r² a r³ a r^n-1। और ऐसा सीरीज सोचने के साथ ही बहुत बड़ा बड़ा बाल दिमाग में आने लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें हमको दिमाग ये लगाना है कि इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो कोई ये ज़रूरी थोड़े ना है कि हम इवन नंबर जब भी क्वेश्चन में दिखे तो हम उसमें 2n टर्म्स ही लें। इवन नंबर तो दो टर्म भी होता है। तो सोचिए हमें कैसा जीपी कंसीडर कर लिए जिसमें दो टर्म है, एक ए है और दूसरा ए आर है। ऐसा तो बोला नहीं कि हमको 2n टर्म्स ही लेना है। अब अगर हम इसमें कंडीशन देखें द सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो दो ही टर्म का हमारे पास जीपी है, तो इसका सम निकाल लेते हैं a + ar। तो ये जो सम है 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स का मतलब 1, 3, 5 इस तरह से, तो ये जीपी का पहला टर्म है, तो यही ऑड टर्म हुआ। तो ये जो सम है ये इसके 5 टाइम्स के इक्वल है, इसका मतलब इधर 5 ए होना चाहिए। अब ये दोनों इक्वल हो गया क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इससे देखें तो हम इससे a कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 + r और इधर लिखा है 5 है, तो a और a कैंसिल, तो r + 1 का वैल्यू क्या दिखा हमको 5, तो r = 4। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कॉमन रेशियो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था 4। अगर हम लोग थोड़ा इसमें दिमाग लगा लिए तो दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम 2n टर्म्स का जीपी कंसीडर करते तो कैलकुलेट करना पड़ता। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p² × r³ ratio s³। अच्छा, इसमें कोई तीन टर्म का एक जीपी है, तो मान लीजिए हमारा जो तीन टर्म का जीपी है मान लीजिए a, a r, a r² अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस बी द सम, मतलब ये तीन टर्म का सम क्या है s है, तो s = अगर ये तीन टर्म को हम ऐड करें और एक को कॉमन ले लें तो 1 + r + r², ये किसका वैल्यू होना चाहिए था, ये s होना चाहिए था। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी बी द प्रोडक्ट, ये तीन टर्म का प्रोडक्ट p है, तो p = ये तीन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ r³ आएगा, ये हमारा p होना चाहिए। आगे अगर क्वेश्चन में देखें तो r बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, ये तीन टर्म के रेसिप्रोकल का सम r है, तो r = 1/a + 1/ar + 1/ar² ये होना चाहिए। अगर इसमें से भी हम देखें तो 1/a को तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1/r + 1/r². अब अगर देखें तो r = 1/a
और ये यहाँ मगर एलसीएम ले तो एलसीएम आर स्क्वायर यहाँ बन गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, तो ये हमारा क्या मिलना चाहिए आर। तो हमारे पास तीनों वैल्यू गिवेन है, पी भी है, एस भी है और आर भी है। तो जो वैल्यू हमको चाहिए वो चाहिए पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और रेशियो का मतलब डिवाइड करना, तो हमको चाहिए पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एस क्यूब, ये चाहिए। तो पी अगर हमारे पास ये गिवेन है तो पी स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे ए टू दी पावर सिक्स आर टू दी पावर सिक्स, तो लिख लेते हैं आर टू दी पावर सिक्स इंटू ए टू दी पावर सिक्स, ये तो पी स्क्वायर आ गया। आर क्यूब क्या होगा, तो ये है आपका आर, तो क्यूब अगर कर ले तो इंटू क्यूब अगर करेंगे तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन का क्यूब और डिवाइडेड बाई, क्योंकि आर फ्रैक्शनल है तो ये भी आएगा क्यूब करने से ए क्यूब इंटू आर क्यूब आर टू दी पावर सिक्स, ये आएगा। ये आया एक्चुअली ये टर्म किसके इक्वल है, इधर लिख लेते हैं, ये पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो गया, अब ये भी कैंसिल हो गया और ये थ्री, इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब का जो वैल्यू है वो ए क्यूब इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन का क्यूब है। अब ये डिवाइड होना चाहिए एस क्यूब से, तो कर लेते हैं। अब एस का अगर वैल्यू देखें तो वो ये है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब इंटू वन प्लस आर स्क्वायर और इसका क्यूब, तो ये ओवरऑल कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया वन। तो ये दोनों का जो रेशियो होना चाहिए था वो होना चाहिए था वन। अब अगर इसके बाद हम क्वेश्चन देखें आगे, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है जो आप हमको सेंड किए हैं वो है गिवन है कि इफ लॉग ए बेस एक्स, उसके बाद आपको गिवन है ए टू दी पावर एक्स बाई टू, फिर आपको गिवन है लॉग एक्स, और ये गिवन है कि ये आर इन जी पी, ये जी पी में है, देन फाइंड एक्स। तो आपसे पूछा गया कि आप एक्स का वैल्यू बताइए। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए हम बोले कि ए बी सी अगर जी पी में है तो कैसे पहचानते हैं कि ये जी पी में है, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल ए सी आता है, इसका मतलब ये कि अगर कोई तीन नंबर जी पी में होगा तो मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट नंबर के प्रोडक्ट के। अगर ये बात हमको पता है तो जैसे ही तीन टर्म यहाँ जी पी में दिखा हमको क्या करना चाहिए था, ये है मिडिल वाला नंबर तो इसका स्क्वायर, इसका मतलब ए टू दी पावर एक्स बाई टू और इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए था ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, बी स्क्वायर इक्वल ए सी। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये लिखा है लॉग ए बेस एक्स और इंटू ये लिखा है लॉग एक्स बेस बी, तो ये तो आएगा। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम यहाँ देखें तो ये टू और ये टू तो कैंसिल हो गया, तो इधर लिखा है ए टू दी पावर एक्स, और इधर भी अगर हम देखें तो अब इधर ये सॉल्व होता हुआ इजली तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ बेस एक्स है और यहाँ बेस बी है, तो बेस सेम होता तभी कोई ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई करते। तो हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम इसको थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी यूज करें, वो किस तरह से देखिए, अगर कहीं लिखा है लॉग ए सॉरी लॉग बी बेस ए तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए और उसके बाद आप अपने मर्जी से बेस अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम बेस ई में करके दो लॉग में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम करके देखते हैं क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा लॉग ए डिवाइडेड बाई, नीचे आपको दिखेगा लॉग एक्स इंटू, यहाँ अगर देखें तो ये बन जाएगा लॉग एक्स और यहाँ बन जाएगा लॉग बी, तो लॉग एक्स और लॉग एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा, अगर लॉग एक्स और लॉग एक्स कैंसिल हो गया तो फिर हमको मिला ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए और डिवाइडेड बाई लॉग बी। अब अगर इसके बाद और दिमाग लगाए तो देखिए लॉग बी बाई लॉग ए को क्या लिख सकते थे, लॉग बी बेस ए, तो ये भी लॉग ए बाई लॉग बी है, तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए और बेस बी, फिर हम इसको चाहें तो ऐसा डिवाइड करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हुआ, हमको तो x का वैल्यू चाहिए था, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसके लिए अब यहाँ से x ऑब्टेन करने के लिए
हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, लेकिन लॉग भी बेस ए करके लेंगे तभी हमको एक्स मिलेगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि लॉग में अगर ये दोनों सेम होता है तभी इसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं लेकिन हमारा बेस ए है, तो देखिए ए और ये लिखा है ए टू दी पावर एक्स और इज इक्वल्स टू, इधर भी लॉग लेंगे लेकिन बेस ए और उसके साथ साथ लिखा है लॉग ए बेस बी। तो अब ये अगर लॉग में कहीं ऐसा भी लिखा हो कि एम एन और इस पे पी, तो ये पी बाहर आ जाएगा और लॉग एन बेस एम है तो ये एक्स पहले आ गया और ये दोनों सेम होने के कारण ये 1 हो गया। तो एक्स का जो वैल्यू आया वो आपको मिला लॉग बेस ए लॉग ए बेस बी, ये हमारा वैल्यू होना चाहिए था एक्स का। तो थोड़ा सा एक्चुअली ये लॉग का ही क्वेश्चन ज़्यादा है, जीपी का तो बस इतना ही कंसेप्ट यूज होता है कि मिडिल वाले का स्क्वायर इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म।